तस्वीर मतलब ये गर्म होती है, अब उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वही पता लग रहा है, गूगल पे भी सर्च किया तस्वीर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो अब पता लग रहा है। हमने अपने डॉक्टर साहब को फोन किया है, हमारे मिस्टर डॉक्टर सलभ गुप्ता। गुड मॉर्निंग बकलोल जनता, वेलकम बैक टू द बकलोल टीवी व्लॉग्स। सो यार सुबह के बज चुके 11 एंड अपने दिन की हो चुकी है शुरुआत। अभी जा रहा हूँ मैं ऑफिस की तरफ, एंड फिलहाल ऑफिस नहीं मतलब पहले एक मीटिंग है 11:30 बजे, मीटिंग खत्म करके जाएंगे ऑफिस की तरफ। आज का दिन बहुत सुहाना है क्योंकि सुहानी वाइब है, मैं सुबह सुबह उठ के नहाते हुए बड़े अच्छे गाने सुन के आया, तो मूड बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसी अच्छे मूड के साथ करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत, भोले बाबा जी के नाम लेके हर हर महादेव। सो यार सो वाली मीटिंग खत्म करके अभी दोपहर के 1:30 बजे और हम आए हैं बेवमाल। बेवमाल में वैसे मीटिंग ही थी, हमारा काम यार ऐसे ही रहता ना, थोड़ी कभी मीटिंग कभी कंटेंट कभी क्या, तो मीटिंग करना जरूरी होती है क्योंकि भाई उसके बगैर हमारा काम नहीं चलता है। यार हमने बैठे हुए थे तो अचानक से मन में ख्याल आया, गन्ने का जूस की कोई रील देखी तो किया मन की पीते हैं, तो अचानक से ख्याल किया वो ठंडा होता है तस्वीर मतलब या गर्म होती है, अब उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वही पता लग रहा है, गूगल पे भी सर्च किया तस्वीर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो अब पता लग रहा है। हमने अपने डॉक्टर साहब को फोन किया है, हमारे मिस्टर डॉक्टर सलभ गुप्ता, अब जो ये बोलेंगे तो वही होगा। सलभ जी, डॉक्टर साहब, ये जो शुगर केन होता है इसका जूस जो होता है उसकी तस्वीर क्या होती है, ठंडी होती है गर्म? गन्ने के जूस की और तस्वीर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ शुगर के। ओ डॉक्टर है, पक्का डॉक्टर है ये, ऐसी बात नहीं है, हम इसको ऐसे ही सोचते थे, डॉक्टर है ये हमेशा काम आता हमारे, जब कुछ भी मतलब किसी को नहीं ना पूछ सकते, इसको पूछते इसको पता होता है सलम को। यार वेव मॉल में से अभी थाली खा के निकल रहा हूँ, थाली तो खाई है लेकिन ऐसी थाली खाई है कि चलने की भी हिम्मत नहीं हो रही हमारी, बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं हो रही, बड़े यार बहुत हैवी था सिस्टम। और भैया क्या हाल चाल, ठीक हो? बढ़िया, ठीक हो? मस्त। अभी ऐसा मन कर रहा है ना कि सो जाए यार, मजा आ जाए, पर कैसे सोएंगे, अभी काम बढ़ जाता करने वाले हैं, पेंडिंग है, तो अभी देखते हैं वेवमॉल से कहाँ जाना हमने। हेलो भाई कैसे हो? बढ़िया, ऑल गुड, ठीक ठाक। फोटोग्राफ कर दी मैंने आपकी, फोटो जल्दी थी। बैग में से माइक निकाल के जल्दी जल्दी आ, फुटबॉल खेलने के लिए या फुटबॉल आ गए अमीर वाला खेल, क्रिकेट विकेट छोड़ दिया, फुटबॉल खेल रहे हैं पैक्स स्पोर्ट्स अकेडमी यार, वहाँ पे जा रहे हैं रील बनाने के लिए, साथ में मजे भी कर लेंगे, तो अभी को बुलाया भाई तो निकलते हैं। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम सॉकर खेलने के लिए, खेलने के लिए बट अंधेरा हो गया, क्रिकेट की प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पे, क्या बात है। बॉल है, बॉल है यार, बॉल है, शाश। अभी देख लेदर बॉल से खेल रहे, तेरा खून कब खुलेगा, कॉस्को बॉल से खेलता है अभी तक, कितना बड़ा हो गया है। यहाँ पे चल रही है फुटबॉल प्रैक्टिस, क्या था हैप्पी तू बच गई। तो गाइस सोच रहा हूँ कि मैं भी एक आधा गोल करके चला ही जाऊं यहाँ पे, ये क्या था, ओह ये गोल कर पाएगा सौरभ भी, हाँ अच्छा खेल रहा हूँ मैं ना, आ जाओ बच्चे से आ रहे भाई, भाई सांस फूल गई, बहुत दम लगता है फुटबॉल खेलने में, अपना क्रिकेट ठीक है, क्या बोलता है ना, क्रिकेट ठीक है ना, चलो करो बॉल में देखो, अच्छा
ओए शॉट। अपना क्रिकेट ठीक है यार, मस्त मजा तो आता है। सो गाइस शाम के बजे साथ फुटबॉल वगैरह खेल के मतलब मुझे मतलब पा गए, मैं और हैप्पी आ चुके थे, हैप्पी चला गया मेरी हंसी के लिए, कल भाई दूज है तो भाई दूज बनाना, तो और पाठक साहब ने ज्वाइन किया, पाठक साहब भी अपने काम से आ रहे थे, घर की तरफ जाना है कठुआ, तो मिलते हुए जा रहे थे, तो मैं चलो गड्डी आई हुई है तो ऑफिस में पानी खत्म हुआ था तो हम पानी भरने के लिए आए हैं वो भी अपनी गड्डी लेके, मैं सोया गया हमारा ठीक है, तो अभी पानी भरते हैं, पानी वापस ले चलते हैं ऑफिस, है ना मन भैया? बिल्कुल। और सुनाओ क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, काम। चलो बढ़िया बढ़िया, ये हमारा पानी भरने का पॉइंट, यहाँ पे पानी भरा जा रहा है पीने का। तो यार पानी ला के तो हमने भर दिया, मगर हम उससे मिलने के लिए कौन है? ये ब्रो रजत भाई। और मैं प्रसाद देने आया था, बड़ी दूर से प्रसाद आया था। कहाँ से कहाँ से कहाँ? श्री केदारनाथ जी से आपके लिए प्रसाद आया था। ठीक है, श्री केदारनाथ जी के कपाट हो चुके हैं ओके बंद ओके, अब अगले साल खुलेंगे फिर आपके लिए फिर से प्रसाद आएगा, तो जिन्होंने भी वो प्रसाद भेजा था उनका बहुत बहुत धन्यवाद, भाई ने प्रसाद ले लिया। ठीक है, तो कल 2 बजे जो है रजत भाई मिल रहे हैं और हम जो है इकट्ठे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो है वो मैच देख रहे हैं, बट फिलहाल हम निकल बहुत बदले हैं जो लेने हैं। हाँ, लास्ट टाइम के जो हम रोए थे मतलब महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ, वो इस बार शायद से नहीं रोएंगे, तो अभी फिलहाल हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो गुड नाइट रजत भाई, ओके बाय। सो मैं भी निकल रहा हूँ अपनी, ओए शिट जैकेट तो भरी रह गई, तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बगैर, बाय एंड टेक केयर, निकलते यहाँ से, मिलते कल कल सुबह, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है, मतलब सेमीफाइनल है तो इंपॉर्टेंट तो है ही, सो गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बगैर, बाय एंड टेक केयर।